दोस्तों, रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन का मतलब होता है बार बार में शोल्डर डिसलोकेट होना। अगर आप इसका इलाज नहीं कराते हैं तो इससे आपके शोल्डर में क्या तकलीफ आ सकती है, हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर एक बार कंधा डिसलोकेट होने लगता है तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बार बार में डिसलोकेट होए, क्योंकि हमारे कंधे के अंदर एक लेब्रम होता है जो उस कंधे को डिसलोकेशन से बचाता है। पहली बार जब डिसलोकेशन होता है तो हमारा लेब्रम का टीयर आ जाता है, जिसको बोलते हैं बैंकार टीयर। एक बार हमारे बैंकार टीयर डेवलप हो गया तो वहां से शोल्डर फिर बार बार में डिसलोकेट होने लगता। तो दोस्तों, जितनी बार हमारा शोल्डर डिसलोकेट होता है उतनी बार शोल्डर में काफी ज्यादा डैमेज होता है। पहला डैमेज होता है लेब्रम में, वो लेब्रम टीयर आपका बढ़ता रहता है। दूसरा डैमेज होता है आपके रोटेटर कफ की मांसपेशियों में, ये मांसपेशियां आपके शोल्डर को स्टेबिलिटी देती है। तो जितनी बार डिसलोकेट होता है उतनी बार रोटेटर कफ मांसपेशियों में टीयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ह्यूमरल हेड, जो हमारे हाथ की जो हड्डी है उसका जो ऊपर वाला गोला है उसको हम ह्यूमरल हेड बोलते हैं। तो जितनी बार हमारा कंधा डिसलोकेट होता है उतनी बार ह्यूमरल हेड के अंदर बड़ा खड्डा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इसका इलाज नहीं कराएंगे और वो आपका शोल्डर बार बार में डिसलोकेट होता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो लेब्रम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और साथ साथ में वहां से बोन भी घिसने लग जाएगी। इस स्टेज में अगर कोई मेरे पास पेशेंट आता है तो हम उसका दूरबीन से इलाज नहीं कर पाते हैं छोटी सर्जरी से, तब उसके अंदर बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं लेटार्जी प्रोसीजर। ये भी सर्जरी दूरबीन के द्वारा ही होती है, पर इसके अंदर हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा काट के वहां पे लेब्रम के पास ग्लिनोइड पे चिपकाया जाता है ताकि आपका शोल्डर डिसलोकेट नहीं हो। इसे बोलते हैं बोन ब्लॉक प्रोसीजर। तो अगर आप हमारे पास जल्दी आते हैं जब आपका सिर्फ लेब्रम फटा हुआ है पर आपकी लेब्रम की जो ग्लिनोइड की बोन है वो इंटैक्ट है, तो सिर्फ आर्थरोस्कोपिक सर्जरी से, सिर्फ दो छेद से हम आपका लेब्रम रिपेयर कर देते हैं, जिसको बोलते हैं बैंकार्ड रिपेयर विद नॉटलेस सूचर। उसमें हम बायो कंपोजिट एंकर्स का यूज करते हैं। अगर आप बहुत लेट आते हैं हमारे पास, जब आपकी बोनी बैंकार्ड डेवलप हो जाता है मतलब हड्डी भी घिसने लग जाती है, तब हमें बड़ा प्रोसीजर करना पड़ता है जिसका नाम होता है लेटार्जी। इसी तरह से अगर आपके ह्यूमरल हेड में बड़ा खड्डा हो गया जैसे कि मैंने बताया, तो उसमें भी एक रैम्प्लिसाज करके प्रोसीजर होता है, वो करना पड़ता है जिसमें हमें उसमें मांसपेशी भरनी पड़ती। अगर बार बार में डिसलोकेट होने की वजह से आपका रोटेटर कफ टीयर हो रहा है तो हमें उसको भी ठीक करना। तो अब जितना लेट करोगे उतना डैमेज आपके शोल्डर में बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा और उतनी बड़ी सर्जरी आपको करवानी पड़ेगी अपने शोल्डर को ठीक करने में। इसके अलावा जिन लोगों का बहुत बार कंधा उतर गया उनका कंधे का कार्टिलेज भी खराब होने लगता है। तो एक बार अगर आपके कंधे का कार्टिलेज खराब हो गया तो उसमें अर्थराइटिस डेवलप हो जाते हैं, फिर कंधे में परमानेंट पेन डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा यही मैसेज रहता है इस वीडियो के अंदर कि अगर आपका शोल्डर डिसलोकेट हो रहा है और बार बार में हो रहा है, बहुत ज्यादा वेट मत कीजिए, वो अपने आप बिल्कुल नहीं ठीक होने वाला। जितना आप वेट करेंगे उतनी आपकी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट होती जाएगी, उतना आप गेम नहीं खेल पाएंगे, उतनी आप एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, आपको हमेशा डर लगता रहेगा कि आपका शोल्डर डिसलोकेट हो रहा है और साथ साथ में हमारा शोल्डर खराब भी होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे।